ज्योतिष शास्त्र की जो निर्मिति भी की गई ये आध्यात्मिक पथ के लिए की गई थी। ये कोई ऐसे ही नहीं था कि भाई सब कुछ जानने के हिसाब से की गई। हमारे देश में ये बहुत पहले से बताया गया, पता किया गया कि इंसान के कई जन्म, तो इस जीवन के बारे में ज्यादा चिंता भी क्या करनी और लिख के भी क्या रखो, क्योंकि अभी मर भी गए बिना मोक्ष के तो भी तुम पाओगे कि भविष्य में तुमको आना है और सारी चीजें कर। जो आध्यात्मिक यात्रा है उसके ऊपर हमेशा इस देश ने बहुत काम किया। उन्होंने ये पाया कि इंसान को इस तरह की सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध की जा सकती है कि वो थोड़ा सा शांति से बैठ सके अपनी जगह, थोड़ा भविष्य के लिए पागल ना। तो ज्योतिष शास्त्र को ढूंढा गया और ये किया गया कि इंसान को उसके जीवन का थोड़ा सा भविष्य पहले ही अंदाज दे। अगर तुम्हें अंदाज आ जाए कि हाँ इस वक्त मेरे जीवन में ये होगा, इस वक्त मेरे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां होगी, तो तुम ज्यादा तड़पोगे। ये शास्त्र बड़ा प्यारा है, ये बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन हर शास्त्र के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई होती है समय के साथ कि जब हम उसके भीतर का विज्ञान नहीं जान पाए तो हमने अंधश्रद्धा को बढ़ा दिया। हमने कहा कि पूछो मत, करके देखो। हमने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पूर्वजों ने कहा तो सही होगा। और जब पूर्वजों की बात आती है तो मैं तुमसे कह दूं कि ज्योतिष शास्त्र को जिन्होंने डेवलप किया वो सबसे इंपॉर्टेंट ऋषियों में आते हैं ऋषि भृगु। भृगु ऋषि जो थे उन्होंने ही ज्योतिष शास्त्र को लिखित स्वरूप में किया, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में जो किताब है उसे कहते हैं भृगु संहिता। अब संहिता का अर्थ समझो, संहिता का अर्थ है एकत्रीकरण, इकट्ठा किया। उन्होंने लिखा ऐसा नहीं है, जो भी ज्ञान था उन्होंने उस पर और काम किया और उसको सूचीबद्ध किया, उसको उन्होंने बराबर से एकत्रित किया और इसलिए बनी भृगु संहिता। संहिता का मतलब समझे, एकत्रित करने वाला, उस ज्ञान को एक जगह पर लाने वाला। इसलिए पुराने ऐसे बहुत से शास्त्र है जिसको हमने संहिता के रूप में देखा। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिन्हें कहते हैं कि किसी ऋषि की संहिता है। पूरा काम उसने नहीं किया, हो सकता है कि ही वॉज द लास्ट पॉइंट कि जिसने उन सारे ज्ञान को एकत्रित करके लिख दिया। जो भी पिछले लोगों ने काम किया उन सबको वो एकत्रित कर दिया। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी चर्चा चलती है कि पिछला इतिहास लिखा नहीं गया। मैं आपको आज रीजन बता दूं, उसका रीजन ये है कि हम जानते ही थे कि कई जन्म होते। हमारे देश में ये बहुत पहले से बताया गया, पता किया गया कि इंसान के कई जन्म, तो इस जीवन के बारे में ज्यादा चिंता भी क्या करनी और लिख के भी क्या रखो, क्योंकि अभी मर भी गए बिना मोक्ष के तो भी तुम पाओगे कि भविष्य में तुमको आना है और सारी चीजें कर। इसलिए ज्यादा इतिहास पर ध्यान नहीं दिया गया, हर चीज को लिखित अवस्था में लेने का ध्यान नहीं दिया गया। हमेशा इस चीज पर ध्यान दिया गया कि किन चीजों से इंसान खुद को विकसित कर पाए और किन चीजों से वो ज्यादा समझदार हो पाए। तो जो इतिहास में या पूरे के पूरे ग्रंथों में जो कथाएं हैं, तुम समझो जो लोग कथाएं लिख सकते हैं 100, क्या एक इंसान की पूरी जीवनी नहीं लिख सकते हो? लिख सकते थे, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं लगा। उनके लिए तत्व महत्वपूर्ण है। तत्व का मतलब है ऊंचाई। तत्व का महत्व है कि तुम अपने ही जीवन में अपने ही शरीर के ऊपर उठ सको, अपने ही शारीरिक रूप से तुम ऊंचा देख सको उन चीजों को जो तुम्हें अभी समझ नहीं आती शरीर के रूप। उस तत्व पर काम करने के लिए हमारे देश ने बहुत सारी चीजों को विकसित किया और उन्हीं में से एक था ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र की जो निर्मिति भी की गई ये आध्यात्मिक पथ के लिए की गई। ये कोई ऐसे ही नहीं था कि भाई सब कुछ जानने के हिसाब से की गई। हमारे देश ने इस चीज को समझा कि अगर कई जन्म होते हैं और ये नसीब और कर्म के चक्कर में इंसान फंसा है तो इसके पार क्या। जो आध्यात्मिक यात्रा है उसके ऊपर हमेशा इस देश ने बहुत काम किया, आध्यात्मिक लोगों ने काम किया और उन्होंने ये पाया कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा शांत किस तरह से किया जा सकता है। उन्होंने ये पाया कि इंसान को इस तरह की सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध की जा सकती है कि वो थोड़ा सा शांति से बैठ सके अपनी जगह, थोड़ा भविष्य के लिए पागल ना। तो ज्योतिष शास्त्र को ढूंढा गया और ये किया गया कि इंसान को उसके जीवन का थोड़ा सा भविष्य पहले ही अंदाज दे। अगर तुम्हें अंदाज आ जाए कि हाँ इस वक्त मेरे जीवन में ये होगा, इस वक्त मेरे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां होगी, तो तुम ज्यादा तड़पोगे नहीं, तुम ज्यादा उड़ोगे नहीं। चाहे तुम्हारे सपने इलॉन मस्क और बिलगेट जैसे हैं, लेकिन तुम्हारे नसीब किसी क्लर्क के बराबर है, ये तुम्हें पहले ही बता दिया जाए, पहले ही तुम्हें तुम्हारे जीवन का अंदाजा दिया जाए, तो अब तुम ज्यादा उड़ोगे नहीं, थोड़ा स्थिरता से जीवन को जियो। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम था कि अगर इंसान पता करे कि उसके भविष्य में किस तरह की परिस्थितियां आ सकती है। याद रखना, होगी ही, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा आ सकती है, या उसके जीवन में आने वाली एनर्जीज का किस तरह से प्रभाव होगा, तो
तो वो थोड़ा सा संयमता से, थोड़ा सा शांति के साथ अपने जीवन को व्यय कर पाए, खर्च कर पाएगा, अपने जीवन को जी पाएगा। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या ज्योतिष शास्त्र अध्यात्म पे भी काम करता है। मैं कहूंगा कि हाँ भी और ना भी, हाँ भी और ना भी, इस हिसाब से क्योंकि बहुत से ऐसे ग्रह तारे हैं कि जो एक विशेष स्थिति में अगर हो तुम्हारे जीवन में, तो तुम पाओगे कि तुम अपने से आध्यात्मिक हुए बचपन से। ये वैसे ही है जैसे बुद्ध के बारे में कहा जाता था, जब भगवान बुद्ध जन्मे तो कहते हैं ना कि पंडित आया, एक वहां का जो राज गुरु था वो आया, उन्होंने उनसे पिताजी से कहा कि ये जो पत्रिका है वो ऐसी है कि ये चाहे तो विश्व सम्राट बन जाए, जगत जेता बन जाए, पूरी दुनिया को जीत ले, लेकिन अगर ये दुनिया से चूक गया तो ये ऐसा योगी बनेगा कि बस दुनिया को वहां से भी जीत लेगा। ये जो पथ है, ये ऊंचाई तो थी उनके जीवन में, लेकिन किस पथ पे जाएगी ये निर्णय उनका था। ये जो कर्म है, ये कर्म ही तुम्हारे निर्णय बनाते हैं। ऊंचाई तो थी, सप्लाई तो था टोटल, लेकिन यूज कहां पर करना ये तुम्हारे। तो उन्होंने इस चीज को, इसी तरह से जो पहले ही अंदाजा हम भाप लेते थे वो इसीलिए भाप लेते थे कि कुछ चीजों में हम परिवर्तन क्या कर पाएंगे। महावीर कहते थे कि जो चीज हो रही है वो हो ही चुकी। ये बड़ी प्यारी चीज है कि जो चीज हो रही है वो हो ही चुकी, तो महावीर कहते। कुछ बेवकूफ आते थे, उनसे कहते थे कि मैं चल रहा हूं, पहुंचा तो नहीं लेकिन रुक गया। अब कुछ लोग आते थे, उनसे कहते थे कि मैं चटाई बिछा रहा हूं और मैं आधी ही खोली, अब अभी तो पूरी खोली नहीं ना। तो महावीर कहते थे कि अरे मूर्ख, वो आधी ही खुलनी थी तो आधी ही खुल गई, तुझे यहीं पे रुकना था बीच में, इसलिए तू बीच में रुक गया। तू रुकने ही वाला था इसलिए चला, तू बीच में सोचा कि रुक जाए इसलिए रुक पड़ा, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो कभी ना कभी होने ही वाला है। इस तरह से पूरी की पूरी जीवन की निर्मित का क्रम चलता है। अगर तुम पूरी की पूरी दुनिया को भी देखो, तुम यही पाओगे कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हो, सब कुछ, हर कोई निसर्ग की ऊर्जाओं पर डिपेंडेंट है। जापान में ऐसी एक चिड़िया है कि जापान शायद उन देशों में से है कि जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन इतने भूकंप आने के बाद भी आज वह आदमी वहाँ पे जीवित। टोक्यो जैसे वो शहरी इलाकों को छोड़कर बाकी एरियाज जो है, जो गांव खेड़े के एरिया है, वहाँ पे तुम पाओगे, अगर कभी जाओगे तो तुम पाओगे कि ऐसे बहुत से या हर जगह पर ना एक पेड़ जो होते हैं ना, वहाँ पे विशेष प्रकार की, वहाँ पे एक स्पैरो है, एक चिमनी, उसके लिए खाना रखते हैं, पानी रखते हैं, ताकि वो दिखती रहे वहाँ। लोगों को यह पता है कि अगर ये वहां पर चिमनी नहीं देखी तो 24 घंटे के भीतर यहां पे भूकंप आए। कहा जाता है कि वो जमीन के भीतर होने वाली गतिविधियों को सेंस कर लेती है, और अगर वो उड़ गई तो पूरा गांव खाली, जो हाथ में मिला वो लेके निकल जाते, क्योंकि 24 घंटे में कभी भी भूकंप आ सकता। उतना ही सेंस होता है सांप के पास। ये क्या है, ये पूरा का पूरा इसका जो शरीर है वो जमीन से लगा हुआ है, भीतर के जो कंपन है इसे सबसे जल्दी पता चलता। तो तुम पाओगे कि अगर कहीं पर भी भूकंप आते हैं वहां पे कभी सांप नहीं मरता। तुम पता कर लो, जरा डिटेल में जाओ। हाँ, अगर तुम कहोगे नहीं नहीं किसी ने घर में सांप पाल के रखा है वो कैसे मरा, इन चीजों के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, ना ही ज्योतिष शास्त्र। तुमने कहा नहीं मैं पकड़ के रखूंगा, ये तुम्हारी बेवकूफी है, ऐसे गंदे सवाल लाना भी। मैं कोई महावीर जैसा अच्छा इंसान नहीं हूं जो तुम्हें समझाए, मैं बहुत अच्छी गाली मार सकता। हाँ बिल्कुल ठीक। तो कहने की बात यह है कि नैसर्गिक रूप से अगर हम देखें तो तुम पाओगे कि सांप जैसे जो जीव है वो कभी नैसर्गिक आपदाओं में मरते नहीं, और उसका रीजन ये है क्योंकि वो पहले ही सेंस कर लेते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे ये कहो कि केदारनाथ में जो हुआ वहां पे तो बहुत से सांप मरे, वो अननेचुरल था। वो अननेचुरल इस हिसाब से था क्योंकि वो नैसर्गिक आपदा तो थी, लेकिन उसका मैक्सिमम रीजन ये ह्यूमन के कारण, जो हमने बीच बीच में डैम्स बनाए, बीच बीच में शहरों को बनाया, बीच बीच में निसर्गों को तकलीफ दी, इसके कारण उसकी आपदा बहुत प्रमाण से बढ़ गई। अगर वो नैसर्गिक रूप से होता तो डेफिनेटली इतनी तकलीफ नहीं होती, ठीक है ना। तो इन चीजों में ज्यादा मत जाना, लेकिन अगर तुम नेचुरल जगहों पे देखोगे जहां पर नेचुरली कुछ हुआ, वहां पर सांप जैसे प्राणी मरते नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही कुछ घंटों पहले, दिनों पहले इस चीज को सेंस कर लेते कि भीतर से कुछ कंपन आ रही है जो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी पैदा करेगी। एक अवतार नाम का पिक्चर 2012 का, अभी तो उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, लेकिन एक अवतार नाम का पिक्चर है जो हॉलीवुड का है, तो बड़ा प्यारा पिक्चर। उस वक्त जब वो बनाया गया था वो दुनिया का सबसे महंगा मूवी थी, कमाया भी उसने बहुत सारा पैसा,
लेकिन उस पूरी मूवी को एक बार जरूर देखना, मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा। वो इसलिए रिकमेंड करता हूँ, उसकी एक स्टोरी है कि इंसान को एक ग्रह के बारे में पता चलता है और वो अपनी पूरी साजो सामान के साथ उस ग्रह पर निकल पड़ता है। उस ग्रह पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहां पर भी जीने वाला एक इंसान, और उस इंसान के साथ तालमेल करने के लिए वो अपने को एक तरह का उस इंसान के जैसे बनाने की कोशिश करते हैं बायोलॉजिकली, और एक अपने को वहां पे भेजते हैं अपने कुछ लोगों को। और वो जो पूरा का पूरा वहां का निसर्ग बताया गया है, वो पूरा का पूरा उन लोगों के जीवन को दिखाया गया है। एक चीज जो उनमें बहुत प्यारी थी और वो ये है कि उनका उनके ग्रह के साथ का जुड़ाव, वो इतना जुड़े हुए थे उनके ग्रह के साथ कि वो खुद को विशेष मानते ही नहीं, इसलिए वो उन चीजों को सेंस कर लेते थे जो शायद आज भी। कभी हमारे पास भी उस तरह की शक्ति जरूर होगी, कभी हमारे पास भी उस तरह की चीजें जरूर होगी, लेकिन आज दिमाग के विकसित करने के चक्कर में हमने अपने शरीर के भीतर की वो सेंसिटिविटी खो दी। और ये सेंसिटिविटी क्या है? ये सेंसिटिविटी है पृथ्वी के साथ तालमेल और ब्रह्मांड के साथ तालमेल। इस ब्रह्मांड के बाहर की जो एनर्जीज है, जो ग्रह तारों की एनर्जीज है, वो जिस तरह से हमारे भीतर काम करती है, उसका जो पूरा का पूरा संरचन है, उसका प्रेजेंस का पूरा अंदाज ले, इस सेंसिबिलिटी को कहीं इंसान भूल चुका है पूरी तरह से। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं कि जो आज भी अपने भीतर उस चीज को जिंदा रखे, जैसे कि कुछ चिमनियां, जैसे कि बहुत से ऐसे पंक्षी जो कई हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं विशेष ऋतुओं में, जिन्हें कोई मैप पता नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ताकत पर वो ट्रैवल करते। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि सिर्फ नवग्रह ही क्यों, सिर्फ नवग्रह ही इंसान पर क्यों काम करता है, उसके बाहर के क्यों नहीं। उसके एक दो रीजन समझ लो। उसके एक दो रीजन ये है, एक तो वो बहुत दूर है, वो इतने दूर है कि तुम सोच भी नहीं सकते, वो इतने दूर है कि उतनी उनकी एनर्जीज काम भी नहीं करती, क्योंकि हर मास का एक अपना एरिया ऑफ फंक्शन, जैसे गुरुत्वाकर्षण जो है वो मास पर डिपेंड करता है उस ग्रह के। ये जो पृथ्वी है, इसका जो वजन है उसके ऊपर उसकी ग्रेविटी काम करेगी। इसलिए विज्ञान मानता है कि अगर इसमें मास है तो इसकी भी अपनी एक ग्रेविटी है, अगर छोटा पत्थर भी है उसकी भी अपनी एक छोटी ग्रेविटी है। तुम मानो ना मानो, लेकिन बिकॉज उसमें मास है तो उसमें ग्रेविटी है। वो इतनी लीस्ट है कि फील नहीं होती, और इन सबको जोड़कर जो एक टोटल ग्रेविटी बनती है पृथ्वी की, वो इतनी विशाल है कि बाकी का कुछ बचता नहीं छोटी मोटी एनर्जी के सामने, बराबर। ये ऐसे ही है कि अगर एक बड़ा मैग्नेट और एक छोटा मैग्नेट को तुम रखो, और ये छोटा मैग्नेट बड़े मैग्नेट को चिपक जाए, अब इस छोटे मैग्नेट का अस्तित्व क्या बचा, ये बड़े मैग्नेट की एनर्जीज के साथ खुद को मल्टीप्लाई कर लेगी। ये उसी तरह से होता है। तो ये हमारे जो नौ ग्रह है, इन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि इन ग्रहों का, ये इतने बड़े है कि हमारे जीवन पर इसका परिणाम डाल सकते हैं। और यहां तक कि हम आकाश गंगाओं की जो भी बात करते हैं, दूसरे कोई कॉन्स्टिलेशन है, कोई राशि है, कहते हैं ना कि भाई इस राशि का इस तरह से प्रभाव, तो याद करना कि वो किसी एक तारे की बात नहीं कर रहे, वो मल्टीपल तारों की बात कर रहे हैं, वो मल्टीपल तारों की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। इसलिए तुम राशि चक्र को देखोगे कभी भी, तो तुम पाओगे कि कोई ऐसी डायग्राम बनी है और उसमें बहुत सारे तारे हैं, कोई एक तारा नहीं है, बहुत से तारे, और उन सारे तारों को जोड़कर तुम पाओगे कि उसकी वन एनर्जी इस पृथ्वी पर काम कर। विज्ञान इस चीज को मानता है कि अगर कहीं कोई दूर भी अगर कोई ग्रह पड़ता है तो पृथ्वी पर उसका इफेक्ट होता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आइंस्टाइन ने डाली, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1918 में, तो 1918 में जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इजाद किया गया, तब आइंस्टाइन ने एक बड़ा खूबसूरत चीज पता की। उसने कहा कि ये पूरी दुनिया जुड़ी हुई है स्पेस पाथ से। उसने कहा कि स्पेस पाथ का ऐसा ही मतलब है कि तुम कोई चादर लो और उसके बीच में एक बड़ा सा भारी वजन का एक कोई गोल चेंडू डाल दो, कोई लोखंड का ऐसा बना हुआ चेंडू डाल दो, उससे क्या होगा, वो चादर जो है ना बीच से झक जाएगी, नीचे चली जाएगी, और आसपास जो है अगर तुम छोटे 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 बॉल्स रख दो उससे भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम धड़ से बीच की चीज निकाल दो, उससे जो तरंग निर्मित होंगे उसके कारण वो जो आसपास की जो चीजें है उसे तकलीफ होगी। ये ऐसे ही है जैसे पानी, पानी में अगर कोई दो चार चीजें ऐसी 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 पड़ी हुई है ऊपर से, और तुम ऐसा बीच में ऐसा हाथ कर दो, ऐसी उंगली लगा दो पानी के ऊपर, तो तुम पाओगे कि एक तरंग निर्मित हुई जो उन चीजों को एक दूसरे से दूर लेके जा रही है। ब्रह्मांड में भी यही हो रहा है। अगर तुम किसी भी दुनिया के कल्चर में देखोगे तो तुम पाओगे कि हर कोई गारमेंट्स वियर करता है। पुराने से पुराने सभ्यताओं को तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने अपने शरीर पर गारमेंट्स का यूज किया। पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों ही
अपने शरीर पर किसी ना किसी तरह के गारमेंट्स यूज कर रहे। आज तुम उसे ओल्ड फैशन के नाम पे तोड़ रहे हो। एक समय था कि जब हाथ में धागा या ब्रासलेट या कोई चांदी या सोने का कड़ा या पैरों में चांदी या सोने का कड़ा, कानों में, इस तरह की चीजें पुरुष और स्त्री सारी के पहनते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम मालाओं को तो प्रिफर नहीं करते लेकिन ब्रासलेट्स और लॉकेट्स को प्रिफर करते। तो वो पहनना तुम्हारे लिए बड़ा फैशन हो गया लेकिन उससे जुड़े हुई चीजें तो तुम्हें पता है। अगर तुमसे मैं पूछूं कि ये ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है क्यों पहने, तुम बोलोगे हाँ अच्छा लग रहा है इसलिए पहन दे। इतनी ही मर्यादित सोच हमारी हो चुकी। लेकिन जब पिछले लोगों ने इस पर काम किया तो बड़े प्यार से किया। उन्होंने इस चीज को पूरा पता किया कि इंसानी शरीर पर किस तरह से कौन सी ऊर्जाओं का परिणाम ज्यादा। तो तुम पाओगे कि उन लोग हमेशा पछताएंगे जो अपने गले में चांदी पहनते। मेरी बात को बराबर से समझना, शायद ये किसी को पसंद ना आए जिनके गले में चांदी। अपने गले में कभी चांदी मत पहन। क्यों? क्योंकि चांदी पर चंद्र का प्रभाव है और ये चंद्र का प्रभाव ऐसा है कि जब जब पूर्णिमा आएगी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। और तुम पता कर सकते हो जिसके जो भी अपने गले में चांदी को वहन करता है वो थोड़ा अपने दिन का एनालिसिस करे। तुम पाओगे कि जब जब पूर्णिमा आई तुम थोड़ा ज्यादा गर्म, तुम्हारा ज्यादा दिमाग खनका। क्यों? क्योंकि अब तुमने ये डिवाइस दे दिया, उस बड़े डिवाइस को तुम्हारे शरीर पर इजीली काम कर, तुमने एक मीडियम की अवेबिलिटी कर दी। चांदी को हमेशा पैरों में या कमर तक ही पहना चाहना चाहिए या हाथों में भी तब पहने, क्योंकि हाथ जो है अगर तुम सीधे रखोगे तो कमर के नीचे आए, तो यहां तक ही। लेकिन जब भी तुम पाओगे कि यहां पर मतलब कंधे के पास या गले में जब भी तुमने चांदी को रखा तुम्हारी समस्याएं बढ़ी। और वो बढ़ी क्यों? वो इसलिए बढ़ी क्योंकि चंद्र जो है वो पानी पर काम करता है और ये सबसे नजदीकी ग्रह है जो तुम्हारे शरीर पर सबसे ज्यादा परिणाम में काम करता है। ये जब घूमेगा तो इसकी गति सबसे ज्यादा है तुम्हारे आसपास, क्योंकि अगर मंगल घूमेगा तो 2 साल लग जाएंगे, शनि घूमेगा तो 14 साल लग जाएंगे, और दूर का ग्रह आसपास घूमेगा तो कई साल लग जाएंगे। लेकिन ये जो चंद्र है ये तो पास में ही है और ये 28 दिन में एक यात्रा पूरी कर लेगा। जब 28 दिन में एक यात्रा पूरी कर लेगा, हमारे यहाँ पे एक कहावत है, एकादशी जब होती है तब लोग उपवास वगैरह रखते हैं, उसके दूसरे दिन शुरुआत भात वगैरह से करते। तुम पाओगे कि पिछले लोगों ने कुछ चीजें बड़ी प्यारी डिजाइन की थी। वो इस तरह से डिजाइन की थी कि जब भी पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, स्पेशली पूर्णिमा हो, एकादशी हो, इन दिनों पे ना वो उपवास वगैरह लगते। उसका रीजन ये था कि जब चंद्र का अपना प्रभाव चढ़ेगा तुम्हारे शरीर पे, अगर तुम कुछ स्थूल खा लोगे, चावल खा लोगे, तो तुम पाओगे कि उसका परिणाम थोड़ा सा कम हुआ। और तुम हल्का फुल्का खाने लगोगे, तुमने पाया कि वो पानी जो है तुम्हारे शरीर पे ज्यादा काम करता है। तो इस चीज को समझो, हमारे शरीर के हिसाब से जिस तरह के गारमेंट्स डिजाइन किए गए थे, तुम यही पाओगे एक समय के बाद कि इनका अपना एक कारण। इसलिए अब विज्ञान भी ये पता कर चुका है, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर जैसी जो टेक्निक्स है वो पैरों में ये पता कर चुकी है। ऐसी बहुत से पॉइंट्स है जिन्हें दबाने से हमारे शरीर के भीतर कुछ बदलता है। और अब हमें पता चला कि हमारे यहाँ पे जो पैंजन पकड़ पहनते थे या जो उंगलियों में पहनते थे, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जोड़वी, जो पहनते हैं उंगलियों में पैरों के, वो ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबा रहे हैं जो तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक। ये अब थोड़ा 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 हमें समझ आ रहा है। और अब तक हम उन चीजों को गाली मारते। अगर तुम सोने की अंगूठी, मैं तुम्हें लिख कर देता हूं एक दो चीजें समझ लो, क्योंकि सबको ऐसा होता है कि कुछ ऐसा बता जाओ भाई कि जिंदगी के लिए काम आ जाए, तो दो तीन चीजें मैं तुम्हें बता दूं। एक तो ये है अंगूठी, इस तरह की अंगूठी अगर खुद के लिए बना सको तो बना ले। ये सोना चांदी और तांबे की बनी हुई अंगूठी, इसका जो प्रमाण है वो है 2, 3 और 5, मतलब 2% सोना, 3% सिल्वर और 5% तांबा, ठीक है, इस तरह से। या इसे उल्टा भी किया जा सकता है कि 5% सोना, 3% चांदी या 2% तांबा, इसे उल्टा और सीधा दोनों तरह से पहना जाता है। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आएगा, वो भाड़ में जाएगा, क्योंकि अब मैं समझाने की मूड में नहीं। ये अंगूठी सिर्फ बनाते वक्त उस इंसान से बनाए जिस पर तुम्हें अंधा भरोसा है। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्धतम चीजें लगती। अगर तुम उस चांदी को इसमें डालोगे जो मार्केट से मिलती है 93.7%, तो तुम पाओगे कि इस तरह की अंगूठी तुम्हारे शरीर पे काम नहीं करेगी। ये एक अंगूठी अगर तुम ऐसी बना के अपने हाथ में पहन लो पहली तर्जनी में, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जो मैक्सिमम वो ग्रह है जो तुम्हें तकलीफ देते हैं, अब तुम्हें किसी भी जेम्सस्टोन को पहनने की जरूरत नहीं है। द सिंगल
ये एक ही काम करे। और सबसे मेन बात कि आश्रम इसे बनाता नहीं है, तो कोई इसे ऐसा ना समझे कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, ठीक है। ये अपना अपना बनाना अपनी अपनी जगह पे, हम नहीं बनाते ना ही कभी बनाएं, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्ट। मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं कि 100 चीजें पहनने से अच्छा अगर एक ऐसी चीज तुम पहन पाओ अपने हाथों में, तो सारा जो सोना तुम पहन रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट ने यह बहुत गंदी चीज की है, वो ये है कि 24 कैरेट का सोना हम मार्केट से नहीं ले सकते, 22 कैरेट तक ही ले सकते, 22 कैरेट तक ही वो जो था ना कुछ आता है अभी गवर्नमेंट का स्टैम्प, क्या कहते हैं हॉलमार्क, वो 22 कैरेट तक ही मिलता है। 24 कैरेट का अगर कोई ज्वेलर अपने ज्वेलरी में रखे तो उस पर चार्जशीट डायर, वो ले सकता है 24 कैरेट का, लेकिन वो कॉइन में या वो बिस्किट के रूप में ही सिर्फ, वैसे दागीने नहीं बना सकते। और यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी सोने में कोई मिलावट है वो तुम्हारे शरीर पे काम नहीं करेगा। ये ऐसा ही है कि अगर तुम पानी में चम्मच भर भी नमक मिला दो, जो पानी पीने लायक बचा नहीं बचा, क्या तुम खाते वक्त पानी पी पाओगे? और तुमने कितना, अरे कुछ नहीं चम्मच भरी नमक है कुछ नहीं होता पी ले, हो सकता, ये वैसे ही है, उसको इतना ही सही तरह समझना। ये तीन जो चीजें हैं, सोना चांदी और तांबा, ये अपनी एक ऐसी एनर्जी रिलीज करते हैं जो सारे ग्रहों के आसपास से आने वाली ऊर्जाओं के इक्विवेलेंट है। और जब हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान ने अब ऑरा एनर्जी के बारे में भी पता कर लिया है। विज्ञान को ये पता है कि हर चीज की अपनी एक एनर्जी, 1950s के बारे में बात है कि रशिया में एक साइंटिस्ट था, उस रशियन साइंटिस्ट ने कैमरा बनाने की कोशिश की और कैमरा गलत बना, लेकिन वही उसके जीवन की सबसे अच्छी बात थी। उस साइंटिस्ट का नाम था किरलियान, और उसी के नाम से ये फोटोग्राफी प्रसिद्ध भी हुई, किरलियान फोटोग्राफी। तो अगर तुम गूगल भी करोगे तुम्हें पता चल जाएगा, उसने बहुत से फोटो भी लिए अपने जीवन, किरलियान फोटोग्राफी। ये किरलियान फोटोग्राफी की खासियत यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास की जो एनर्जी है ये उसे पकड़ सकता है, उसकी फोटो ले सकता है। उसने पता किया कि सिर्फ ना ही इंसान, ना ही जीवित वस्तु, बल्कि हर वो वस्तु जो प्रेजेंट है उसकी अपनी एक एनर्जी फील्ड। इसलिए ऑरा स्कैनिंग वगैरह जो तुमने नाम भी सुना होगा, उसके जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है वो किस तरह से काम करते हैं, हमारे जीवित शरीर के आसपास जो ऊर्जाओं का घेरा है उसके ऊपर वो काम करते हैं। दुनिया भर के हजारों एक्सपेरिमेंट आज हमें ये बता रहे हैं कि वो लोग जो अपने जीवन में एक बार मेडिटेशन को कंटिन्यू करते हैं, कुछ समय के बाद उनके आसपास की जो ऑरा एनर्जी है वो क्लीन होने लगती है। किरलियान ने तो यहां तक पता किया था कि यही तुम्हारी ऑरा एनर्जी है जो तुम्हारे भविष्य को नाप, और ये भी अनएक्सपेक्टेडली प्रूव हुआ था। हुआ ये था कि उसने ना दो जो गमले रहते हैं झाड़ के, उसके फोटो लिए। एक गमले में एक फूल खिला हुआ था और दूसरा जो गमला था जो फोटो निकला वो मुरझाया हुआ। अब ये जो फूल उसके दिख रहा था उस फोटो में, प्रत्यक्ष में देखते हुए वो अभी भी कली थी, ठीक है। और ये जो फूल मुरझाया, ये जो झाड़ मुरझाया हुआ था ये तो जीवित था आंखों से, लेकिन जब कल उसने देखा तो उसने पाया कि ये फूल जो है वो बड़ा हुआ एग्जैक्टली उतना ही जितना आज उसके फोटोग्राफी में उसका फोटो आया। और कुछ ही हफ्तों के भीतर उसने ये पाया कि वो जो पेड़ था वो मर चुका है, उसी तरह से उसकी एनर्जी उसी तरह से जैसे उस फोटो में निकली। किरलियान फोटोग्राफी पे काम करने वाले और ऑरा स्कैनिंग पे काम करने वाले लोगों ने धीरे धीरे ये नापा कि अगले 6 महीने के हिसाब से तुम्हारा ऑरा बदल गया, कि 6 महीने में अगले तुम्हारे साथ किस तरह की घटनाएं होगी, ये आज ही उस एनर्जी फील्ड में आ जाती है और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में एंटर कर। ऑरा स्कैनिंग से ये पता चला कि अगर तुम्हें 2-3 महीने के बाद भी कोई बीमारी होने वाली है तो आज ही डिटेक्ट हो सकती है। तो इसलिए चक्रा फॉर्मेशंस, हमारे बॉडी के जो एनर्जी सेंटर्स माने जाते हैं 7 एनर्जी सेंटर्स, उसके आसपास की एनर्जी फोटोग्राफ्स लेने के लिए बहुत से लोग आज मेहनत ले रहे हैं। बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल लोग हैं जो इस चीज पर ज्यादा काम करते हैं कि हीलिंग, चक्रा हीलिंग या चक्रा फोटोग्राफी या ऑरा स्कैनिंग या इस तरह की चीज, क्योंकि वो अब इंसान जान चुका है कि हमारे शरीर के भीतर ये जो एनर्जी के सेंटर्स है ये हमारे भविष्य से जुड़े हुए। ये भविष्य से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि ये भूत से जुड़े हैं। ये भूत से इस तरह से जुड़े हैं कि जिस तरह की चीजें तुमने कभी की, ये फोबिया की तरह सोचना कि अगर बचपन में तुम्हें कुछ हुआ किसी सोच के कारण तो वो आज तक तुम्हें तकलीफ दे रहा। विज्ञान मानता, अध्यात्म मानता है कि पिछले जन्मों में भी जो तुमने काम किए उसकी भी यादें आज तुम्हारे साथ है और उसके कारण तुम्हारे चक्र आज भी बंद। मैं तुमसे कहता हूं कि इंसानी शरीर में एक चक्र जागृत हो तो तुम्हें इंसानी शरीर मिल सकता, लेकिन
लाखों में कभी एक इंसान ऐसा मिलता है जिसके दो से ज्यादा चक्र जागृत हो बचपन से जन्म के साथ। रेयरेस्ट होता है कि कभी दो से ऊपर के चक्र जागृत हो इंसान के, हमेशा होता यही है कि दो ही मैक्सिमम। अगर मैं 1 लाख के हिसाब से भी बताऊं तुम्हें तो 1 लाख में एक इंसान के चक्र जन्म से 3 या 3 से ज्यादा, वो तो इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है क्राइटेरिया, लेकिन फिर भी 3 चक्र तक एक इंसान की जागृत रहते हैं जन्म के साथ 1 लाख, और 99,990 लोगों के 1 चक्र एक्टिवेट, और बचे हुए जो 9 लोग हैं उनके कभी कभी 2 चक्र एक्ट। इतना ये सारा का सारा चीजें पता की गई। इसलिए जो हीलिंग करने वाले लोग हैं ना, वो तुम्हारे शरीर के वो जो चक्रा के जो पॉइंट है ना, उस पर हाथ रखकर देखेंगे कि किस तरह की एनर्जी उन्हें फील हो रही, वो भाप लेते हैं कि किस तरह का भविष्य तुम्हारी होगा, किस तरह की चीजें तुम्हारे शरीर के साथ होगी, किस तरह का जुड़ाव इन ऊर्जाओं के साथ तुम्हारे जीवन का है। पहले इन चीजों का आज हम अंदाजा ले रहे हैं, चाहे फिर तुम विज्ञान के नाम पे बड़े बड़े शब्द क्यों ना यूज कर लो, ऑरा स्कैनिंग, एनर्जी हीलिंग, कुछ भी तुम यूज कर लो, लेकिन बात तो एक ही है, तुम्हारे शरीर के विशेष जगहों को देखकर, छूकर, नाड़ी को देखकर तुम्हारे भविष्य का जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र अंदाजा लगा रहा था, उसी तरह से किसी फोटोग्राफ को देखकर, तुम्हारे शरीर के हीलिंग पॉइंट्स को देखकर और एनर्जी स्कैनिंग को देखकर तुम्हारे भविष्य का अंदाज लगाएगा। तो फर्क क्या है? बात तो एक ही,